हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं और सरफराज भी आए हैं शॉपिंग करने के लिए इज़ोमी, तो हमने सोचा कि व्लॉग बना लेते हैं। चूंकि आजकल बाहर ठंड होती है बहुत ज़्यादा, तो हाथ फ्रीज हो जाते हैं जल्दी व्लॉगिंग करते हुए भी, तो हमने सोचा इनडोर व्लॉग बनाना है। तो व्लॉग भी आसानी से बन जाएगा और गपशप भी हो जाएगी थोड़ी। तो शॉपिंग मॉल में आए तो मास्क तो ज़रूरी है। कॉफ़ी तो नहीं पियोगे? पिला दो। कहाँ चलना है? कार लिंक्स ये वाली ले रहे हो? दिस गाय इज कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड अबाउट जैकेट्स। ट्राई कर लो। डिजाइन जरा अजीब सा है। नया पसंद कुछ तो? शॉपिंग के मामले में बहुत सिलेक्टिव है ये लड़का। इसको 10 शॉप्स पे जाके, 15 शॉप्स पे जाके फिर कोई एक चीज़ चूज़ करनी होती है, और इसलिए मुझे व्लॉग बनाने का भी टाइम है। ये वाली स्वेटर ट्राई करो। हाँ दिखाओ। वाह क्या बात है, ज़बरदस्त। वाकई यार बहुत अच्छी लग रही है, लूज लग रही है मुझे। कितने की है जैकेट? -50% ऑफ है, 150 की पड़ेगी, 300। 15,000 की एक जैकेट। भाई इतने महंगे कपड़े नहीं पहनते हम। ट्राई कर लो फिर भी। मुझे पता नहीं साइज क्या होता है। वाह बहुत अच्छी लग रही है जैकेट। भाई आप बताओ जैकेट कैसी है? जबरदस्त। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस जैकेट? ये पब्लिक बोलेगी। बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी मेड माय माइंड फॉर दिस जैकेट नाउ। जबरदस्त। सो वी सी लेटर, बट एक बार इसको घर लेते हैं, फिर घर में सोचते हैं, और अगर मज़ा नहीं आया वापस करते हैं। यहाँ पे ये मज़ा है, मज़े का सीन है, पैसे हमें पूरे वापस मिलेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इसको उठाते हैं हम। जबरदस्त। क्या ख्याल है माजिद? हाँ ये शॉट डालने दोगे ना व्लॉग में? भाई सारा डालो। ओए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सही है, बट इसका स्टफ सही नहीं है। इतनी महंगी जैकेट है, लेकिन होगा कुछ इसमें, बट तुम्हारे ख्याल से हमें इससे बेहतर जैकेट मिल जाएगी इस प्राइस में? भाई 150 की एक है, इतनी दो ले लेंगे हम। 75-75 के आ जाओ। 300 की है। सरफराज भाई की जैकेट कैंसिल कराने में उनका मूड बन गया था, बट थोड़ी महंगी है। वैसे आप PhD है सरफराज भाई आपकी? हाँ। अब तो तुम्हारी सैलरी बहुत ज़्यादा, ले लो 150 वाली। मुझे कोई मसला नहीं है लेना, मैं बस, लेकिन मैं तुम्हारी बात को बहुत वैल्यू देता हूँ भाई। मेरी बात को वैल्यू नहीं दो, कपड़ा अच्छा लगता तो ले लो। इसलिए तो नहीं ली मैंने, मेरा यकीन है ना मुझे, तुम सही बताओगे। अब हम कहाँ जा रहे हैं? कार्लसन। अब हम जाएंगे कार्लसन। मुझे कभी कभी बहुत हैरानी होती है कि इतनी हार्श कंडीशंस के बावजूद भी, मतलब इतनी लॉन्ग विंटर्स और लॉन्ग डार्क डेज के बावजूद भी, ये फिन्स जो हैं हैप्पीएस्ट पीपल क्यों हैं दुनिया में? मतलब वन ऑफ द एडैप्टेड देमसेल्फ सो वेल टू दिस एक्सट्रीम वेदर। हाँ लेकिन इतने प्रोग्रेसिव कैसे हैं इतनी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के बावजूद भी? ये पिछले वाली खाली थी। ऐसे किसी दिन इस पर बात करेंगे कि वाई फिनलैंड इज़ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब उसमें मैं अपना एनालिसिस बताऊंगा कि मुझे क्यों लगता है कि फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री है दुनिया में। वाकई ये बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे आज। आज टेम्परेचर -18 है, कल और परसों तो ठीक ही है, कल परसों -25 तक गया था आई गेस, है ना? ओह कार्लसन क्लोज। अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम आए प्रिज्मा में, क्योंकि बाकी सारे स्टोर्स अब क्लोज हो गए हैं। सैटरडे आज, इसलिए प्रिज्मा इज़ वन स्टॉप शॉप, यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी। वो जो ऊपर आले लिखा है उसका मतलब है सेल, आले सेल। ये ट्राई कर लो। ये नीचे ये वाला कलर जो है ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। 5 minutes later. मैं कहता हूँ इन दोनों को छोड़ो, ये अच्छी नहीं लग रही। सीरियसली वाइब्स वाला लो कुछ, जैसा वो जैकेट था बड़ा वाला 150 वाला, वो तो लेने नहीं दिया वहाँ पे हाथ दो तुम्हारी। तो उसकी स्टफिंग अच्छी नहीं थी ना। तो ये जो शॉपिंग हमने की है आज, इसको कहते हैं विंडो शॉपिंग, मतलब लेना कुछ नहीं, खाली चीज़ें देखनी। फिनिश बच्चे कितने क्यूट होते हैं यार। तुमने वो लाया था? देख तो नहीं लिया। हाँ नहीं लाया था। चलो ढूंढते हैं। आए थे कपड़े लेने के लिए, दूध लेके जा रहे हैं, तो दो उठा लो।
तो ये था हमारा कुछ ज़्यादा ही बोल्ड व्लॉग. इसका मकसद था सरफराज भाई को थोड़ा सा कैमरे से यूज़ करना, क्योंकि इस लड़के को मेरे व्लॉग्स में आना बड़ा ज़रूरी है. सो दिस व्लॉग एंड्स हियर. इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी. तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.